नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए गुड न्यूज है। अब 15 नवंबर तक यूपी की सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह निर्देश दे दिया है ताकि जनता को सुगम और सुरक्षित यात्रा का अधिकार मिल सके। कहते हैं बेहतर कनेक्टिविटी प्रगति का माध्यम होती है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि महत्व उसी प्रदेश का है जहां पर गड्ढे ना हो। और उत्तर प्रदेश के ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस बात को समझते हैं, इसलिए वो उत्तर प्रदेश का सीएम बनने के सुगम और सुरक्षित सड़क निर्माण पर जोर देते आए हैं। और बरसात का मौसम खत्म होने को है और यूपी में कई सड़कों का हाल बुरा है, जिसके चलते ही लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए सीएम योगी ने ही अधिकारियों को ये निर्देश दे दिया है कि 15 नवंबर तक उत्तर प्रदेश की सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाए। सीएम योगी ने अधिकारियों को ये भी निर्देश दिया है कि सड़क निर्माण में निजी निवेश को भी प्रोत्साहन दिया जाए और पीपीपी मोड पर सड़क निर्माण के कार्य योजना बनाई जाए। इसी खबर पर हमारे लखनऊ से ब्यूरो हेड हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, दानिश वारसी। तो दानिश, सीएम योगी ने निर्देश दे दिया है कि अब गड्ढा मुक्त बनाना है, इस पे क्या अपडेट है? उत्तर प्रदेश में जो सड़कों को लेकर के हादसे हो रहे थे, अभी कानपुर की बात की जाए या औरैया की बात की जाए, उत्तर प्रदेश के सारे जनपदों में ज्यादातर जो गड्ढे थे उनकी स्थिति सही नहीं थी, यानी सड़कों की दयनीय स्थिति होने के चलते हादसे हो रहे थे जिसमें कई लोगों की मौतें हो चुकी थी। और मुख्यमंत्री ने उस पर एक गाइडलाइन भी जारी की थी कि जो ट्राली है, ट्रैक्टर ट्राली, उस पर जो है सवारी ढोने का काम नहीं किया जाएगा, अब केवल उसमें माल भाड़े के काम किया। इसके बाद ही आज उनको देखते हुए उनके मंथन चल रहा था, जिसपे आज उन्होंने निर्देश किया है कि उत्तर प्रदेश में जितने भी गड्ढे हैं सड़कों पर उनको मुक्त किया जाएगा, जो हादसे का सबब बन रहे थे। इससे हादसों में कहीं ना कहीं गिरावट आ जाएगी और जितने भी सड़कें उत्तर प्रदेश के अंदर 15 नवंबर की उनकी डेडलाइन है। हालांकि इससे पहले भी मुख्यमंत्री ने 15 अगस्त डेडलाइन दी थी, लेकिन उस पर कोई अमल नहीं दिखा था। दोबारा फिर इन्होंने उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर इस पर सख्ती दिखाई है और ये कहा है कि 15 नवंबर तक जो है सारे गड्ढे सड़कें जो है गड्ढे मुक्त हो जाए। अब देखना ये होगा कि दूसरी बार इन्होंने जो आदेश किया है क्या उसमें इसका अमल होगा या असर होगा। फिर अधिकारियों के कान पे मुझे नहीं लगता कोई जू रेंग रहा है, क्योंकि इससे पहले भी डेडलाइन दी गई थी कि 15 अगस्त तक दो बार डेडलाइन दी गई। केशव प्रसाद मौर्य ने भी इसको लेकर सख्ती दिखाई थी, लेकिन आज फिर योगी आदित्यनाथ ने 15 नवंबर तक डेडलाइन दी है। उत्तर प्रदेश के सड़कों की हालत बदहाल है और इसके बाद जो बाढ़ और बारिश आई है इससे तो इतनी ज्यादा बुरे सड़कें हो गई हैं कि वीआईपी मार्गों की बात की जाए तो वीआईपी मार्गों पर भी चलने वाला काफिला नहीं है। अभी आपने देखा होगा कि सीतापुर में डीएम साहब का काफिला गुजर रहा था और सड़कें इतनी खराब थी कि वहां पर बैटरी रिक्शा चालक अचानक गिर गया और सवारी भी गिर गई, लेकिन किसी अधिकारी ने दयनीय स्थिति नहीं दिखाई, इंसानियत का परिचय नहीं दिया, उनको उठाया तक नहीं। सड़कें तो छोड़ दीजिए, तो क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का जो आदेश है क्या वो सड़कों पर दिखाई देगा या नहीं दिखाई देगा, इसके लिए तो पीडब्ल्यूडी अधिकारी ही जानेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री का आदेश चूंकि सबसे बड़ा आदेश है उत्तर प्रदेश के सीएम का, इससे बड़ा नहीं कुछ है क्योंकि स्टेट के सीएम है। खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, गड्ढे जगह जगह पर नजर आ रहे थे और सड़क हादसे की भी घटनाएं सामने आ रही थी। इसके बाद लोगों में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है कि गड्ढे ठीक हो जाएंगे, सड़क हादसे नहीं होंगे और बरसात में मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। देखिए, फिर से एक बार उम्मीद की किरण जगी है क्योंकि ये दूसरी बार मुख्यमंत्री ने आदेश किया। इससे पहले भी आदेश किया था लेकिन उसका अमल जो है वो धरातल पर नहीं दिखा था, सड़कें वैसे ही हालात रही बारिश से पहले का आदेश था, अब तो बारिश के बाद का आदेश है। बारिश के बाद जो आदेश है वो सड़कों का बहुत ही बुरा खस्ता हाल है। अभी भी अगर श्रावस्ती, बलरामपुर बैरेज की बात की जाए तो वहां पर अभी सड़कों में पानी भरा हुआ है, लोग निकल नहीं पाए। हालांकि देखना यह होगा कि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ने जो आदेश किया इसका असर अधिकारियों पर कितना होगा और सड़कें 15 नवंबर तक गड्ढे मुक्त हो पाएंगी या नहीं, या फिर से गड्ढों में सड़कें तब्दील रहेंगी, ये देखने के लिए की बात होगी। जी दानिश, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बिल्कुल देखना होगा कि अब किस तरह से जो गड्ढे हैं वो ढके जाएंगे और कर्मचारियों पर सीएम योगी की जो लताड़ है वो कितनी भारी पड़ती है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि निकाय चुनाव को लेकर खबर सामने आई है, जहां पर उत्तर प्रदेश में ही निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। माना जा रहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग नवंबर को पहले हफ्ते में चुनाव का ऐलान कर सकता है और नवंबर के आखिरी हफ्ते में चुनाव हो सकते हैं। निकाय चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी भी सक्रिय हो गई है। पार्टी नेताओं को निर्देश दिया गया है कि वे अपने अपने क्षेत्र में मतदाता सूची चेक कर लें और प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने सभी विधायकों, पूर्व विधायक और निवर्तमान जिला अध्यक्ष को, महानगर अध्यक्ष को और इसके साथ ही नेताओं को अपने क्षेत्र की सूची चेक करने को निर्देश दिया है। मतदाता सूची संशोधित करने के लिए भी एक महीने से पीएलओ घर घर जा रहे हैं। सभी नेताओं को मतदाताओं से जुड़े रहने का भी निर्देश दिया गया है।
इस खबर पर हमारे दानिश वारसी फिर से जुड़ चुके हैं लखनऊ से। दानिश, जैसे कि निर्देश दे दिया गया है इसमें भी कि एक महीने से PLO घर घर जा रहे हैं और सभी नेताओं को मतदाताओं से जुड़े रहने का भी निर्देश दिया है, इसमें अभी क्या अपडेट है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बाद समाजवादी पार्टी भी हरकत में आई है और समाजवादी पार्टी ने भी जो है 20 तारीख तक निकाय चुनाव को बूथ को लेकर के कार्यकर्ता का इन्होंने अपडेट लेना शुरू किया है कि जो निकाय चुनाव आ रहे हैं उस पर कार्यकर्ताओं की मीटिंग करेंगे, बूथ सम्मेलन करेंगे, उसके बाद 20 चुनाव तक जो मतदाता सूची स्थल है उसकी तैयारी पूरी कर रहे हैं कि कौन कौन से मतदाता हैं जिनकी सूची में नाम है किसका नहीं। इसके लिए समाजवादी पार्टी ने भी कमर कसी है क्योंकि निकाय चुनाव भाजपा और समाजवादी पार्टी के ही टक्कर पे है और समाजवादी पार्टी भी कहीं ना कहीं इसमें कसर नहीं छोड़ेगी। उसको भी लगेगा कि उत्तर प्रदेश में अगर निकाय चुनाव की सीटें घटेंगी तो लोकसभा चुनाव पर फर्क पड़ेगा और अगर लोकसभा चुनाव पर फर्क पड़ेगा तो फिर उत्तर प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनाव में फर्क पड़ेगा। इसको लेकर के जो है समाजवादी पार्टी ने भी कमर कसी है। देखना यह है कि बीजेपी के कंपटीशन के बाद समाजवादी पार्टी ने इसको अपना कंपटीशन बनाया है, ये कितना सही गुजरता है इसको ये तो देखने वाली बात होगी। जी, सपा के निकाय चुनाव जो होने हैं उसको लेकर प्रशासन कितना अलर्ट नजर आ रहा है, सुरक्षा के क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? देखिए, प्रशासन तो अभी चुनाव आयोग के नोटिफिकेशन के बाद ही अलर्ट होगा क्योंकि प्रशासन का अपना तैयारी है, लेकिन जो पार्टी बेसिस पर तैयारी हो रही है वो पार्टियां अपने अपने मतदाताओं बूथ को लेकर के जो है तैयारी कर रहे हैं कि उनके निकाय चुनाव में जितनी ज्यादा सीटें निकल पाएंगी, क्योंकि निकाय चुनाव को ही बेस बनाया जाता है। निकाय चुनाव को लेकर के लोकसभा का बेस बनाया जाएगा और लोकसभा का ही बेस बनेगा तभी विधानसभा का बेस बनेगा। इसको लेकर के समाजवादी पार्टी ने भी अलर्ट जारी किया है। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र पटेल का यह कहना है कि 20 तारीख तक वो अपने बूथ को लेकर के सम्मेलन कर लेंगे और उसके लिए तैयारियां उनकी चल रही है। सभी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है कि निकाय चुनाव में वो काफी अलर्ट रहे और निकाय चुनाव को लेकर मतदाता सूची जहां जहां पर नाम नहीं है, जिन जिन लोगों के नाम मतदाता सूची से गायब हैं, जो अवैध वोट हैं, उनको लेकर के भी समाजवादी पार्टी अपना सम्मेलन करेगी। जी दानिश, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, आप बने रहिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आशीष मिश्रा की जमानत पर सुनवाई करेगा और आशीष मिश्रा केंद्रीय गृह मंत्री राज्य मंत्री अजय मिश्रा के ही बेटे हैं और आशीष ने ही अपनी जमानत पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ही आशीष मिश्रा को जमानत देने से इनकार कर दिया था और इससे पहले ही इस बार एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट आशीष मिश्रा की जमानत रद्द कर चुका है। लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में ही 3 अक्टूबर 2021 को भड़की हिंसा में 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत हो गई थी। आशीष मिश्रा इस मामले का मुख्य आरोपी है। आपको बता दें कि आशीष मिश्रा की बात हो रही है जहां पर मुख्य आरोपी बताया जा रहा है और इसी के साथ ही लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आशीष मिश्रा की जमानत पर सुनवाई करेगा और इसके साथ ही आपको बता दें कि राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे हैं। तो इसी खबर पर दानिश हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं, ब्यूरो हेड दानिश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो दानिश, फिर से इस पे अपडेट आ गई है कि अब उनके बेटे हैं, इसको लेकर लखीमपुर हिंसा का मामला सामने आया था और आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर फिर से सुनवाई होने जा रही है, फिलहाल की क्या अपडेट है? सुप्रीम कोर्ट ने यह मामला अपने संज्ञान में लिया है और सुप्रीम कोर्ट बेहद ही सख्ती से इसका पालन कर रहा है। देखने को यह मिल रहा है कि अभी आशीष मिश्रा की जमानत पर जो सुनवाई है वो उसकी को लेकर के आज बातचीत होनी है। दूसरी चीज में 8 लोगों पर आरोप तय होने हैं, तो इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो है जमानत याचिका पर इस पर संज्ञान लेना है। सुप्रीम कोर्ट को ये देखना होगा कि जो किसान हैं वो काफी ज्यादा उत्तेजित हैं और दूसरी चीज हत्या का मामला है और हत्या देश के गृह राज्य मंत्री के बेटे पर है, तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को 3-4 चीजों को देखना पड़ेगा। एक तो कानून व्यवस्था का पालन कराना होगा, हत्या को लेकर के सजा क्या होती है, जमानत याचिका पे क्या गंभीरता दिखाई जाती है या कितनी छूट मिलती है, 8 लोग हैं उन पर क्या क्या आरोप तय होते हैं और सरकार को क्या निर्देश देगी, इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट का अभी जो फैसला आना है वो काफी सोचने मतलब ये कह सकता हूँ मैं कई बिंदुओं पर आना होगा, क्योंकि आशीष मिश्रा के वकील ने भी अपने प्रोटेस्ट में कई चीजें रखी हैं कि आशीष मिश्रा जब गाड़ी किसानों की जब हत्या की गई है या उनके साथ एक्सीडेंट हुआ है तो उस पर आशीष मिश्रा नहीं बैठे थे और सुप्रीम को जो किसानों के लॉयर हैं जिनके जो मृतक हैं वो अपना पक्ष रखेंगे। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट को भी कई चीजों को लेकर के अपना फैसला सुनाना है और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा वो सरकार के साथ साथ इस समाज में मैसेज के तौर पर भी होगा। अभी सुप्रीम कोर्ट की बेंच तय करेगी कि जमानत याचिका पर जो सुनवाई टली है फिलहाल के लिए उस पर क्या होना है और 8 लोगों पर जो आरोप तय हुए वो वाकई में दोष सिद्ध होगा या नहीं, ये सोचने वाली बात है। जी, अभी तक कोई फैसला हो पाया कि कितनी तारीख को ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ पाएगा?
देखिए अभी आज ही इसका तो अभी मुझे लगता है कि 5 बजे तक इसका जो भी अपडेट है वो हो जाएगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पे पूरी तरीके से संज्ञान लिए हुए है और दोनों वकील शायद पहुंचेंगे आज प्रोटेस्ट में। देखना होगा कि इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या तैयारी करता है और क्या फैसला सुनाता है। जी दानिश, बिल्कुल देखना होगा अब क्या फैसला आगे आता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।